देखो ये वाली जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी फरमाइश पे बना रहा हूँ। तुम्हें जानना था ना और PS2 गेम्स के बारे में, और ये भी कि तुम उन्हें अपने मोबाइल पर कैसे चलाओगे। और हाँ, तुम में से कुछ लोगों को मोबाइल गेम्स के बारे में भी जानना था, तो उसे भी अपन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अपन वीडियो में और ज्यादा आगे बढ़े उससे पहले तुम चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना कि तुम कौन सी गेम्स खेलने वाले हो या फिर तुम कौन सी गेम ऑलरेडी खेल चुके हो। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑल टाइम फेवरेट गेम से, जिसका नाम है स्मैकडाउन पेन। अगर तुम इस वीडियो के खत्म होने के बाद एमुलेटर को डाउनलोड करने वाले हो और PS2 गेम्स को खेलने वाले हो, तो ये वाली गेम्स को बिल्कुल मिस मत करना अगर तुम फाइटिंग गेम्स के फैन हो तो। ये गेम अपने टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम रही है। इतना ही नहीं, गेमर्स के बीच में ब्रॉक लेसनर इसी गेम की वजह से ज्यादा फेमस हुआ था। अब वो लोग जो PlayStation 2 के जमाने में गेमिंग करा करते थे, उन्हें इस वॉलपेपर को देखने के बाद नॉस्टैल्जिया जरूर फील हुआ होगा। अब अगला जो गेम है ये मोबाइल गेमर्स के लिए। देखो, अगर तुम नए नवेले गेमर हो ना तो शायद तुमने इस गेम के बारे में ना सुना हो। गेम का नाम है मॉडर्न कॉम्बैट 4। वैसे हाँ, ये 5, 4, 6 भी आए हुए, लेकिन मॉडर्न कॉम्बैट 4 जैसा कोई भी नहीं है। गेम तुम्हें शायद प्ले स्टोर पर देखने को ना मिले तो गूगल से जाकर डाउनलोड कर लेना। गेम के अंदर जो स्टोरी लाइन देखने को मिलती है वो बहुत प्यारी है। गेम के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और आज के टाइम पर आने वाले किसी भी गेम के साथ इस गेम के ग्राफिक्स को तुम कंपेयर कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल कमी देखने को नहीं मिलने वाली। अगला जो गेम है ये फिर से एक PlayStation 2 का गेम है, लेकिन ये रॉकस्टार की तरफ से आने वाला एक गेम है, और ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड गेम है रॉकस्टार की साइड से। GTA Vice City Stories। इस गेम के अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है विक्टर, और विक्टर भाई आर्मी ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो गेम के कॉन्सेप्ट के लिए इतना जानना काफी है, बाकी गेम खेलकर पूरी स्टोरी लाइन पता कर लो। अब बात करूं लिस्ट के अगले गेम की, तो वो होगा 007। देखो हाँ, 007 जेम्स बॉन्ड के बारे में तुमने सुना होगा या कोई मूवीज देखी होगी, लेकिन अगर तुम नए नवेले गेमर हो तो हो सकता है कि तुम्हें इन गेम्स के बारे में ना पता हो। अब देखो, जेम्स बॉन्ड की जैसी मूवीज होती है पूरी तरीके से एक्शन से भरी हुई, वैसे ही इस सीरीज के गेम भी है पूरी तरीके से एक्शन से भरे हुए, तो एक बार तुम्हें इन फ्रेंचाइज को ट्राई करना तो बनता है। अब बात करते हैं मोबाइल गेमर्स की। गेम का नाम है डीमन ब्लास्ट 2। ये गेम शायद तुम्हें अभी प्ले स्टोर पर देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने जाकर चेक किया था और वहाँ नहीं थी, तो तुम गूगल पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये गेम के जो ग्राफिक्स है और जो कॉन्सेप्ट है वो डूम गेम से काफी ज्यादा इंस्पायर है। हो सकता है तुम में से कईयों को इस गेम के ग्राफिक्स पसंद आए, लेकिन मुझे तो काफी सही लगे, और ये गेम खेलने में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। एक अच्छी स्टोरी लाइन चल रही होती है गेम में, और क्या ही चाहिए। बात करते हैं PS2 की गेम्स को तुम कैसे चला सकते हो अपने मोबाइल पर Ether SX2 की मदद से। अब तुम्हें अपने मोबाइल में तीन चीजों को डाउनलोड करने की जरूरत है, एक Ether SX2, दूसरा ZA अचीवर, और तीसरा PS2 ROM। अब Ether SX2 और ZA अचीवर को तुम इजीली डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अब जो PS2 की ROM है इसे डाउनलोड करने के लिए तुम गूगल पर सर्च करो PS2 ROM, तुम्हें इजीली मिल जाएगी। ये फाइल इतनी बड़ी नहीं होती, और अगर ना मिले तो कोल्ड ROM की वेबसाइट पर चले जाना। हाँ, बस अपना VPN चालू कर लेना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया था वो ये है कि अगर तुम Ether SX2 को डाउनलोड कर रहे हो और उस पर गेम खेलना चाह रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हारा जो फोन है उसके अंदर की जो रैम है वो 4GB हो कम से कम, और तुम्हारा जो फोन का प्रोसेसर है वो भी डिसेंट सा हो। अब ZA अचीवर को ओपन करो, उसे सारी एक्सेस दे दो, और एक नया फोल्डर क्रिएट करो जिसके अंदर हम अपनी गेम को स्टोर करेंगे, और वो ROM जो हमने डाउनलोड करी थी PS2 ROM उसे भी इस फोल्डर के अंदर मूव करो और एक्सट्रैक्ट कर लो। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने अभी तक अपना Ether SX2 खोला ना हो। अब फर्स्ट टाइम जब तुम अपना Ether SX2 खोलते हो तो वो तुमसे फोल्डर पूछता है कि भैया कौन से फोल्डर को सिलेक्ट करना है, तो तुम उसे वो फोल्डर सिलेक्ट करो जिसे तुमने अभी अभी बनाया है। उसे सिलेक्ट करने के बाद जब वो तुमसे सोर्स मांगे तो तुम PS2 ROM को सिलेक्ट करो। अब देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि पहले वाली जो फाइल होती है वो काम नहीं करती किसी किसी में, तो तुम दूसरी फाइल को क्लिक कर लेना, वो भी काम ना करे तो तीसरी वाली फाइल को क्लिक कर लेना। मेक श्योर इस तरह से लिख कर आ जाए तुम्हारे पास। अब इतना करने के बाद तुम्हारा Ether SX2 रेडी है किसी भी PS2 की गेम्स को चलाने के लिए। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है गूगल पर और लिखना है SX2 एमुलेटर गेम्स, जो भी वेबसाइट्स हैं उनमें जाओ और गेम्स को उसे डाउनलोड करो, और बाद में चेक कर लो अपने नए फोल्डर में जो तुमने गेम के लिए बनाया है, और फिर क्या, बस रेडी है तुम्हारा गेम, खेलो मजे करो। और बस इतना ही करो कि कमेंट्स में मुझे थैंक यू बोल दो, और हाँ, मरने से पहले सारी PS2 की अच्छी गेम्स खेल लेना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को देख लो, बाकी लेफ्ट वाली वीडियो भी अच्छी है ही, तो तुम कोई भी वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे इन दोनों वीडियो में, तब तक लेटा बाय बाय सायो नारा।